बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़ेदार से। आज आपके साथ हम फिंगर आलू चिकन कटलेट बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो यहाँ पे मैश पोटैटो लिए हैं मैंने, 1 पाव बॉयल पोटैटो ले लिए हैं जिनको मैंने इस तरह से पीस लिया है, और मैंने 1 पाव चिकन लिया है बॉयल चिकन जिसका मैंने इस तरह से रेशा निकाल लिया है। इनको हम इसमें ऐड कर देंगे हैं, यानी दोनों चीज़ें हमारे पास बॉयल थी और दोनों हमारे पास चिकन हमारे पास मैश हुआ हुआ। चिकन हमारे पास 1 पाव था और 1 पाव आलू, यानी कि ये आधा किलो का बैटर हमारा तैयार होगा। आपने दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं उनको सेम लेना है। अब मैं इसमें आधी गड्डी धनिया और मिक्स पुदीने की मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने बारीक चॉप किया हुआ है। साथ में मैंने इसके हरी मिर्चें 4 अदद ली हैं जिनको बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल टीस्पून में इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी और 1 टेबल टीस्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ों में नमक नहीं ऐड किया था। बाकी आप अपने फ्लेवर के मुताबिक कर सकते हैं। 1 टेबल टीस्पून में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 टेबल टीस्पून में इसमें दड़ा मिर्चें ऐड करूँगी। तमाम चीज़ें मैंने 1 1 टेबल टीस्पून ली हैं। अब मैं यहाँ पे हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लूँगी ताकि ये हमारा अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। हमने मिक्स करते वक्त इस तरह से हाथों से करते जाना है ताकि जो चिकन का रेशा है ना, ये हमारी आलू की स्टफिंग के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए और ये इसमें बाइंडिंग का काम भी देगा आलू, इसीलिए हमने यहाँ पे आलू के साथ चिकन को मिक्स करा है। मिक्स कर लिया। अब मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है एक बर्तन में, और यहाँ मैंने एक प्लेट रखी। अब मैंने हाथों पे इसको हल्का सा लगा लेना है और थोड़ा सा हमने लेना है जितना आपको कबाब का यानी कि बनाना है उतना आपने लेना है, और हमने इसको इस तरह से ओवल शेप में बना लेना है। तो ये देखें इस तरह से, बस आपने साइडें दोनों साइड की इक्वल रखनी है और उसके बाद आपने हाथों से इस तरह से करते जाना है। तो ये देखें हमारा एक तैयार हो गया। इसी तरह काफ़ी हैवी होते हैं तो मैंने जैसे इसको अंडे में डाल देना है और इस तरह से हमने इसके साथ अच्छी तरह से मिलाने के बाद मैंने इस तरह से निकाल लेना है और इसको फ्राई कर लेना है। हमने फ्राई पैन के नीचे गैस लगा लेना है। इनको फ्राई पैन में आप भी कीजिएगा क्योंकि ये बहुत कम कुकिंग ऑयल में बनते हैं, डीप फ्राई इनको नहीं किया जाता। और यहाँ पे मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। जस्ट हमने इसको हल्का सा रूम टेम्परेचर पे गर्म, नॉर्मल हमारा गर्म हो गया। इसको चेक करने का पैमाना ये क्या, आपने अंडे वाला स्पून लेना है और इसमें रखना है। तो ये देखें इस तरह से ये बॉल जो है हमारे एकदम से व्हाइट व्हाइट नहीं हो रहे, स्लो स्लो हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे तो ये हमारा जो है ना थोड़ा सा अच्छा रंग फ्लेवर नहीं देगा। तो हमने अब इस तरह से लेना है और इसको हमने यहाँ डाल देना है। इसी तरह से मैंने दूसरा भी ऐड करना है और दूसरे को भी मैं डाल दूंगी। यहाँ मैं हाथों से कर लेती हूँ, हाथों से आप भी कर लीजिए, उस बड़े जल्दी से हो जाता है। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें दूसरा ऐड कर दिया और मैं यहाँ पे सबको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाती जाऊंगी और रखती जाऊंगी। जैसे मैंने लास्ट वाले को भी इस तरह से ऐड कर देना है। और अब हमने जो फर्स्ट ऐड किया था इसको हमने इस तरह से दूसरी तरफ फोल्ड कर लेना है ताकि ये हमारा बन जाए। हमने चारों तरफ से इसको घुमाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद ताकि इनका कलर सेम एक जैसे हमारे, देखें इस तरह से 1 से 2 मिनट में मैंने सिर्फ इनको चेंज करती रही हूँ और देखें बड़ा खूबसूरत से इनका कलर आया है। तो ये हमारे ज़बरदस्त से जो आलू चिकन के हमारे रोल्स कबाब थे रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको आज की मज़ेदार सी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक इजाज़त दीजिए हमें, अल्लाह नेगेबान।